हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया एंड आज हम लोग इस वीडियो में आपके सीए इंटरमीडिएट के जो ग्रुप टू के सब्जेक्ट हैं ईआईएस, उसमें जो इस जुलाई 21 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है और बहुत अच्छे से करके जाना है, जो इस बार के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए आ जाते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में आपका पहला क्वेश्चन जो है, जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इसमें जो 3 प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, इसे आपको अच्छे से करके जाना है। ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। इसमें हम लोग पढ़े थे सीएट। आपके लिए एक रिविजन वीडियो भी हमने डाला हुआ है ईआईएस का चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोग बहुत सारी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग लर्न किए थे, तो आप चाहें तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपीए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीपीए आपको मिलेगा इस पेज में, पेज 1.14, जिसमें हम लोग स्मार्ट पढ़ रहे थे। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो इस बार के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और हो सके तो आप ये स्टडी मैट को ही प्लीज करके जाइएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को स्टडी मैट का लैंग्वेज आप लिख के आओगे तो उनके चांसेस बहुत कम रहेंगे मार्क्स काटने के। आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। वो है आपका कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड लिमिटेशंस। आपको कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल मिलेगा पेज नंबर 1.39 में, जितने भी हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, जिसको प्लीज पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी आपको करना है। ओके, नेक्स्ट जो आपको करना है वो है रिस्क एंड कंट्रोल। इसमें आपको करना है प्रोक्योर टू पे रिस्क एंड कंट्रोल में, ये वाला आपको करके जाना है। दो दो आप रिस्क, दो दो कंट्रोल प्लीज करके जाइएगा। ठीक है, दूसरा जो आपको करना है वो है ऑर्डर टू कैश, ठीक है, ओ टू सी, ये वाला भी आपको दो दो पॉइंट करके जाना है। एंड नेक्स्ट जो इसमें आपको करना है वो है इन्वेंट्री साइकिल, ये भी आपको पढ़ के जाना है। दो दो पॉइंट प्लीज तीनों का आप करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो इस बार के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। इसके जो आपके स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे प्लीज आप लर्न करके जाइएगा अच्छे से। इसे हम लोगों ने लर्न किया था रॉक बोल के, रॉक कीवर्ड यूज किया था। अगर आप रिविजन वीडियो देखते हैं तो आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है रिस्क एंड कंट्रोल एट मास्टर लेवल इन एचआर, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप 6 पॉइंट्स इसका प्लीज करके जाइएगा। ये आरटीपी मी 20 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्टेप्स को आप प्लीज पढ़ के जाइएगा, इनफैक्ट आप लर्न करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। इसके जो पॉइंट्स थे आपको वो पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। गाइस, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क अमेंडमेंट है, प्लीज उसे करके जाइएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपको करके जाना है। वो हम लोगों ने याद किया था वीआरडीपी से, तो रिविजन वीडियो में आप अगर सुनते हो तो आपको मिल जाएगा। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्री कंडीशन ऑफ वर्नेबिलिटी। ओके, ये भी आपको करके जाना है। इस चैप्टर में ये ही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं, इसे अच्छे से करके जाइएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप देख रहे हो फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इस बार नहीं करके जाना है। इस बार फ्लो चार्ट आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो आप फ्लो चार्ट को बिल्कुल छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 2 में। तो गाइज, इस चैप्टर में आपके लिए जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज मास्टर डेटा एंड द टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा। प्लीज ये टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा और मास्टर डेटा को अच्छे से करके जाइएगा। इसको हम लोग AIPS से याद कर सकते हैं। ओके, ये आप प्लीज इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 2.34 में। इसमें देखिए आपको ये दिख रहा होगा,
ईआरपी का जो चेकलिस्ट है, इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रिपेयर द चेकलिस्ट ऑफ द कॉमन कंसर्न दैट शुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द ऑडिट। ये आरटीपी में भी आया हुआ था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए वो है कंट्रोलिंग मॉड्यूल का की फीचर्स, तो वो भी आपको करके जाना है। व्हाट मिलेगा ये पेज नंबर 3.35 में, देखिए जो इतना बड़ा जो आपका चार्ट दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको रीड करके जाना है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, एमसीक्यूज के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो फिजिकल कंट्रोल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इसको भी आपको करना है, लॉजिकल एक्सेस वायोलेटेड, ये भी आपको करना है, 5 पॉइंट करके जाइएगा। और लास्ट जो इस चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका चैप्टर 3 से। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे। तो गाइस चैप्टर 4 से जो इम्पोर्टेंट है आपको करना है, पहला तो बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस आप करके जाएंगे, अच्छे से करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको करना है रिस्क एंड कंट्रोल में, रिस्क एसोसिएटेड विद ई बिजनेस इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमर्शियल लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स के अंदर, आपको दिखेगा, आपको दिखेगा पेज नंबर 4.42 में, कॉमर्शियल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स के अंदर इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट, ये आपको करके जाना है। गाइज हम लोग ये वीडियो आपका बहुत सारा आरटीपी में 18 से लेके अभी तक का आरटीपी, स्टडी मैट, एमटीपी और बहुत सारे टीचर्स का रिवीजन वीडियोस देखने के बाद इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहे हैं, प्लीज 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 इसे अच्छे से करके जाइएगा, आपके हाई चांसेस हैं इसी में से सारे एग्जाम में कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसमें आपका आ जाएगा कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसमें जो आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है, ये आपको करके जाना है। ओके, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके लिए मोबाइल कंप्यूटिंग आपको मिलेगा एक टॉपिक, वो आपको रीड करके जाना है। और अब इस चैप्टर में जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको एकदम बहुत अच्छे से करके जाना है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसका एप्लीकेशन एंड मशीन लर्निंग, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से घोल के पी के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वेरियस ई मार्केट मॉड्यूल्स दैट, इसका क्वेश्चन आपका बन सकता है, डिस्कस द वेरियस ई मार्केट मॉड्यूल्स दैट हेल्प बिजनेसेस टू अचीव द वैल्यू एडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो ई शॉप है, ई मॉल है, ई ऑक्शन है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ट्राई करिए कि EIS में आप स्टडी मैट का ही लैंग्वेज लिखिए, ताकि आपका मार्क्स कटने का चांसेस बिल्कुल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर को हम लोग कवर कर चुके हैं, अब आ जाते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका पहला क्वेश्चन, बैंक के सर्विसेज, ये जो आपके सर्विसेज हैं ये इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेस, ये इम्पोर्टेंट है, करना है आपको। नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो आरटीपी नवंबर 18-20 में भी आ चुका है, मई 18 में भी आ चुका है और एग्जाम में भी आ चुका है, वो है इंटरनल कंट्रोल इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल इन बैंक, ये दो भी आपको करना है, करके जाना है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस भी आपको करके जाना है। ओके, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, इसका आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीएस को कंट्रोल क्यों करना चाहिए एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो हाउ डज सीबीएस वर्क। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग सेक्शन ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको IBCS को रीड करके जाना है, IBCS का पूरा पार्ट। ठीक है, कासा कैसे खुलवाओगे, उसके बाद उसको क्या करना है, ये जो प्रोसेस हम लोग का दिया हुआ है ये आपको अच्छे से करना है। आप एक प्रोसेस लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जितना भी टॉपिक है उसका प्रोसेस आपको ऑलरेडी सेम सिमिलर ही है, तो वो ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेजरी प्रोसेस, बिजनेस फ्लो ऑफ ट्रेजरी प्रोसेस। इसमें जो फ्रंट ऑफिस है और बैक ऑफिस है, आपको ये दोनों ही करना है, ये दोनों को आप रीड करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेजरी प्रोसेस का जो रिस्क एंड कंट्रोल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरटीपी में 19 में भी आ चुका है, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और लास्ट जो इस चैप्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लोन एंड ट्रेड फाइनेंसिंग प्रोसेस, इसका क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। तो गाइज, ये पांचों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर आप इतना ही करके जाते हो तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ट्राई करिए EIS में पूरा स्टडी मैट का लैंग्वेज ही लिखने का, ओके। जो आप रीड करके जाओगे वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ट्राई करो प्लीज 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 स्टडी मैट का ही लैंग्वेज लिखने का, ओके। और गाइज, हम लोग नेक्स्ट आपका ग्रुप वन का भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो लाने वाले हैं, तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो हम लोग लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। वो आपको मिलेगा पेज नंबर 2.42 में, की फीचर्स ऑफ दिस मॉड्यूल आर, ये वाला प्लीज आपको पढ़ जाना है, ओके। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरटीपी नवंबर 19 में भी आ चुका है, मई 21 में भी आ चुका है, वो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्री सेल्स एक्टिविटी, सेल्स ऑर्डर, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ओके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मटेरियल मैनेजमेंट, आप प्लीज रीड करके जाइएगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ओके। फिर चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल को आप रीड करके जाइएगा। बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, पेज 2.67, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको रीड करके जाना है, ओके। इसे याद करने की जरूरत नहीं है बट प्लीज रीड करके जाइएगा, ठीक है। आपको जो पढ़ के जाना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ XBRL, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 2.69 में, ये भी आपको पढ़ के जाना है। MIS क्राइटेरिया में आप लोगों ने पढ़ा था और रेलेवेंट टाइमली एक्यूरेट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्टार करके भी याद रख सकते हैं, ओके। तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको करना है, इसमें सेक्शन 43 के जो पॉइंट्स होंगे वो आप प्लीज करके जाइएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वो है टेक्नोलॉजी रिस्क, उसके अंदर आपको मिलेगा रिस्क एसोसिएटेड एंड कंट्रोल रिक्वायर्ड, वो भी आपको करके जाना है, ओके गाइस। तो ये हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 2 से। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 के अंदर जो इम्पोर्टेंट है आपको करके जाना है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर जो तीन फॉर्म है, CU, ALU, प्रोसेसर रजिस्टर्स, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका डेटा स्टोरेज डिवाइस, ओके, रीड करके जाना है, ओके। फिर है डेटाबेस मॉड्यूल। डेटाबेस मॉड्यूल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आपको मिलेगा फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस कैरेक्टर्स, ये आप पढ़ के जाएंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है हायरार्कियल डेटाबेस मॉड्यूल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे करके जाना है, ओके। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क डेटाबेस, ये आपको बस रीड करके जाना है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसे रीड करके जाइएगा। रिलेशनल डेटाबेस मॉड्यूल, इसे भी आपको रीड करना है, ठीक है। फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आपको रीड करके जाना है। नेक्स्ट, इसमें से जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो आरटीपी में 20 में भी आ चुका है, वो है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आपके लिए जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेनिफिट ऑफ डेटा वेयर हाउस, ये आरटीपी नवंबर में आ चुका है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क में, आपको मिलेगा रूटिंग बोल के। आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 3.29 में, इसमें आपको मिलेगा
कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स, कनेक्शनलेस नेटवर्क्स, रूटिंग, बैंडविड्थ, ये सब आपको पढ़ के जाना है. ओके फिर आपके लिए जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, उसे आपको पढ़ के जाना है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस में भी प्रोवाइडेड, ये आपको पढ़ के जाना है. ओके नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है प्रिवेंशन कंट्रोल, डिटेक्शन कंट्रोल. इसके अंदर की बात बेसिकली आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड ही इसमें लर्न करना है, लेकिन आपको अंदर की बातें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आपको करना है. करेक्टिव कंट्रोल इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे अच्छे से करिएगा. एनवायरमेंटल कंट्रोल का जो चार्ट है, देखिए वो जो एनवायरमेंट कंट्रोल में आपको एक चार्ट मिलेगा, आपको चार्ट मिलेगा ये पेज नंबर 3.35 में. देखिए जो इतना बड़ा जो आपका चार्ट दिया हुआ है, ये बेसिकली आपको रीड करके जाना है. इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, एमसीक्यूज के चांसेस हैं. नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो फिजिकल कंट्रोल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इसको भी आपको करना है. लॉजिकल एक्सेस वायोलेटेड, ये भी आपको करना है, 5 पॉइंट करके जाइएगा. और लास्ट जो इस चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल, ये आपको करना है. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था आपका चैप्टर 3 से. अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे. तो गाइस चैप्टर 4 से जो इम्पोर्टेंट है आपको करना है, पहला तो बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस. बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस आप करके जाएंगे, अच्छे से करेंगे. ओके नेक्स्ट आपको करना है रिस्क एंड कंट्रोल में, रिस्क एसोसिएटेड विद ई बिजनेस इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाओगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमर्शियल लॉ गवर्निंग ई कॉमर्स के अंदर आपको दिखेगा. आपको दिखेगा पेज नंबर 4.42 में कॉमर्शियल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स के अंदर इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, ये आपको करके जाना है. गाइज हम लोग ये वीडियो आपका बहुत सारा आरटीपी, मे 18 से लेके अभी तक का आरटीपी, स्टडी मैट, एमटीपी और बहुत सारे टीचर्स का रिविजन वीडियोज देखने के बाद इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहे हैं. प्लीज 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 इसे अच्छे से करके जाइएगा, आपके हाई चांसेस हैं इसी में से सारे एग्जाम में कवर हो जाएंगे. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपके इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन. इसमें आपका आ जाएगा कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इसमें जो आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है, ये आपको करके जाना है. ओके ये आपको अच्छे से आना चाहिए. नेक्स्ट जो आपके लिए मोबाइल कंप्यूटिंग आपको मिलेगा एक टॉपिक, वो आपको रीड करके जाना है. और अब इस चैप्टर में जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको एकदम बहुत अच्छे से करके जाना है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड उसका एप्लीकेशन एंड मशीन लर्निंग, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से घोल के पी के जाइएगा. ओके नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वेरियस ई मार्केट, वो है वेरियस ई मार्केट मॉड्यूल्स. Various e-market modules that इसका question आपका बन सकता है, discuss the various e-market modules that help businesses to achieve the value adding process. ठीक है, ये जो e-shop है, e-mall है, e-auction है, ये सब आपके लिए important है. ठीक है, आप try करिए कि EIS में आप study mat का ही language लिखिए ताकि आपका marks फटने का chances बिल्कुल ना हो. ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर को हम लोग कवर कर चुके हैं, आ जाते हैं चैप्टर 5 में. चैप्टर 5 में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका पहला क्वेश्चन बैंक के सर्विसेज, ये जो आपके सर्विसेज हैं ये इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेज, ये इम्पोर्टेंट है, करना है आपको. नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो आरटीपी नवम्बर 18-20 में भी आ चुका है, मे 18 में भी आ चुका है और एग्जाम में भी आ चुका है, वो है इंटरनल कंट्रोल इन बैंक एंड आईटी कंट्रोल इन बैंक, ये दो भी आपको पढ़ना है, करके जाना है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस, कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस भी आपको करके जाना है. ओके नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, इसका आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीएस को कंट्रोल क्यों करना चाहिए एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो हाउ डज सीबीएस वर्क. ठीक है, तो ये जो प्लानिंग सेक्शन ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, ये आपको अच्छे से करके जाना है. ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको
आईबीसीएस को रीड करके जाना है, आईबीसीएस का पूरा पार्ट, ठीक है। कासा, कासा कैसे खुलवाओगे, उसके बाद उसको क्या करना है, ये जो प्रोसेस हम लोग का दिया हुआ है ये आपको अच्छे से करना है। आप एक प्रोसेस लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जितना भी टॉपिक है उसका प्रोसेस आपको ऑलरेडी सेम सिमिलर ही है, तो वो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेजरी प्रोसेस, बिजनेस फ्लो ऑफ ट्रेजरी प्रोसेस। इसमें जो फ्रंट ऑफिस है और बैक ऑफिस है आपको ये दोनों ही करना है, ये दोनों को आप रीड करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेजरी प्रोसेस का जो रिस्क एंड कंट्रोल है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आरटीपी में 19 में भी आ चुका है, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और लास्ट जो इस चैप्टर में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है लोन एंड ट्रेड फाइनेंसिंग प्रोसेस, इसका क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। तो गाइज ये पांचों चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अगर आप इतना ही करके जाते हो तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ट्राई करिए ईआईएस में पूरा स्टडी मैट का लैंग्वेज ही लिखने का, ओके। जो आप रीड करके जाओगे वो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप ट्राई करो प्लीज 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 स्टडी मैट का ही लैंग्वेज लिखने का, ओके। और गाइज हम लोग नेक्स्ट आपका ग्रुप वन का भी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट जो इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो लाने वाले हैं, तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो हम लोग लाते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।